दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद अब आपको मिलेगा नाउ योर स्टेटस। तो आपको सिंपल नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आप यहां पर देखेंगे कि आपसे मांगा जाएगा आपका किसान सम्मान निधि के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पर मांगा जाएगा। आपको आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहां पर डालेंगे, कैप्चा को यहां पर डालेंगे, डिटेल गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसे निकालने के लिए आपको ना योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप ना योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना मोबाइल नंबर दिया है तो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर और उस कैप्चा को डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है या आपका मोबाइल नंबर नहीं है या आपका मोबाइल नंबर आपके किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें नहीं लगा है तो आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से भी अपना किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन है वो निकाल सकते हैं। उसे निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर टिक करना है, आधार नंबर पर आपको टिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर डालना है, गेट डाटा पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे और आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर OTP जाएगी। OTP डालने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपका जो किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो निकल कर आ जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका जो स्टेटस है पीएम किसान सम्मान निधि का, मान लीजिए हमारा सब कुछ सही है फिर भी हमारी किस्त नहीं आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। दोस्तों सिंपल सी मैं आ जाता हूँ यहाँ पर नाउ योर स्टेटस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर जो कैप्चा है डाल देते हैं और गेट डाटा पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पर देखिए स्टेटस निकाला है। स्टेटस जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लैंड सीडिंग यस, यानी आपकी जो किस्त नहीं आई है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर आपका लैंड सीडिंग ना हो। हो सकता है कि आपने KYC ना कराई हो। अगर यहाँ पर KYC नहीं कराई होगी तो यहाँ पर नो आएगा और यहाँ पर अगर आपकी लैंड सीडिंग है तो यस दिखाएगा। अगर लैंड सीडिंग या लैंड सीडिंग जो नहीं है तो यहाँ पर नो दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे जो तीनों स्टेप हैं कंप्लीट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। अगर आपका जो आधार है बैंक अकाउंट से सीडिंग है तो आपको यहाँ पर यस दिखाएगा। अगर आपका आधार आपकी बैंक में लिंक नहीं है तो यहाँ पर नो दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तीन स्टेप आप समझ जाइए। इन तीनों स्टेप में अगर एक भी स्टेप कम है और एक भी स्टेप में यस नहीं है तो भी आपकी किस्त नहीं आएगी। तो ये तीनों स्टेप जो हैं आपकी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस। तो अगर यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट सीड नहीं है, मान लीजिए आपकी एक बैंक है, एक ही आपका खाता है और उसी खाते में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप कहीं भी जाकर ज़ीरो बैलेंस का एक अकाउंट खुलवा दें और बैंक में जाकर अपना आधार शीट करवा दें, तब आपकी जो यहाँ पर किस्त है यहाँ पर जैसे यस हो जाएगा तो आपकी जो भी किस्तें हैं वो सारी आपके अकाउंट में आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके खाते में आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं तो उसके बारे में चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने URDI की जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए अब आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना है, कैप्चा को यहाँ पर इंटर करना है, सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। OTP आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा है उस पर OTP जाएगी, उसे डालकर आप यहाँ पर अपना जो आधार सीडिंग है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नीचे की तरफ चलिए आते हैं यहाँ पर
और यहाँ पर देखिए FTO, आपका FTO भी जनरेट होना चाहिए। जब आपका आपका जो आधार है अपनी बैंक से लिंक होगा तो आपका FTO भी यहाँ पर लिंक होना चाहिए, तभी आपकी किस्त आएंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा मेन उद्देश्य था FTO चेक करने का। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक करने के बारे में। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताऊंगा जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उसके बारे में बताऊंगा कि आप अपना फुल स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपका ये जो है, आपकी मान लीजिए आपकी यहाँ पर भी यस है, लैंड सीडिंग भी यस है, KYC भी यस है, बैंक अकाउंट भी यस है और FTO भी यस है, फिर भी आपकी जो किस्त है वो नहीं आई है, तो आपको उसे कहाँ से चेक करना है। चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक लिंक है, मैं आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आपको जाना है और अपना चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए चलिए मैं यहाँ पर अपना जो लिंक है वो डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये जो लिंक है हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहीं से आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट PFMS रिस्पॉन्स, उसके बारे में भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन PFMS के बारे में चेक कर पाएंगे। रिकॉर्ड रेडी टू सेंड, उसके बारे में भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पर इसे कैसे आपको देखना, फिलहाल यहाँ पर देखिए सब हिड आ रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल नहीं दिख रही है। सारी डिटेल देखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो लिंक है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया इस लिंक को, आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो स्टार लगा हुआ है, स्टार को आपको हटाना है। यहाँ पर डबल स्टार हैं, डबल स्टार को हटाना है और यहाँ पर RJ मतलब राजस्थान लिखा है, तो RJ और ये दोनों स्टार को आपको हटा देना है। और दोनों स्टार को आपको हटाने के बाद यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, जो PM किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जो UP का रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको UP लिखना है। UP लिखने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे डाल देना है और उसके बाद फिर से इस लिंक को सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना PM किसान का जो नंबर है एंटर कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो लिंक है, मैंने अपना जो UP जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैंने यहाँ पर डाल दिया, अपना किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि मैंने स्टार और RJ और स्टार डबल स्टार है उसे हटाना है, RJ से लेकर डबल स्टार को हटाना है, और वहीं पर आपको अपनी PM किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे एंटर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना किसान सम्मान निधि का जो नंबर है एंटर कर लिया है। अब इस लिंक को आपको फिर से एंटर कर देना है, यानी फिर से रिफ्रेश कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस लिंक को रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है या देखने को मिलेगा, उसका जो रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेंड PFMS डेट वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद PFM रिस्पॉन्स यहाँ पर देखिए, अगर आपका PFMS रिस्पॉन्स जो है एक्सेप्ट दिखा रहा है तो ठीक है, अगर नॉट एक्सेप्ट दिखा रहा है तो समझिए कि आपकी किस्त इसके वजह से नहीं आ पा रही है। उसके बाद दोस्तों आपका जो पेमेंट मोड है, आपकी जो किस्त पड़ने वाली है वो किस आधार से पड़ेगी, अकाउंट या आधार से, तो वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि आपकी जो पेमेंट है वो किस बेस पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो स्टेटस है PFMS का, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। दोस्तों फिर से मैं बता दूं कि इस लिंक का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर अपना इस स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपकी जो PM किसान सम्मान निधि की जो भी किस्तें हैं नहीं आई हैं, सभी टिक सही लगे हैं, फिर भी आप FTO जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।